Well, starting today, Maharashtra government officials have been directed to greet people with Vande Mataram instead of using hello as a greeting gesture while answering phone calls of the people. The circular has been issued by the General Administration Department and is applicable across government, semi-government, local civic bodies, aided schools, colleges, and so on and so forth. Now, terming hello a meaningless word, the circular says that starting the conversation with Vande Mataram will help create a conducive and a positive atmosphere. अभी क्या नया नाटक चालू किया है लोगों ने? वंदे मातरम बोल दिए फोन के ऊपर तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? हमारा किसान भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसका कर्ज माफ हो जाएगा? हाँ, महंगाई दर कम हो जाएगा? नहीं ना, तो यही इनकी हमेशा से मानसिकता रही है, किसी ना किसी तरह ध्यान भटकाना है। और कौन से दिन लॉन्च कर रहे हैं ये लोग? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन। किसी भी तरह से ध्यान भटकाओ, नफरत फैलाओ, ये इनकी राजनीति बन गई है। अब मैं दूसरा भी सवाल, चलो अगर किसी ने नहीं बोला, किसी ने फोन किया और किसी ने वंदे मातरम नहीं पढ़ा, तो तुम क्या करेंगे? उसको गोली मार देंगे, केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, क्या कर देंगे? संविधान में कहां लिखा है कि ये बोलना ही है? नहीं ना, तो क्यों, किसने? ये सब सिर्फ एक ध्यान भटकाओ पॉलिसी और कुछ नहीं है। वंदे मातरम सिंधे फडणवीस जी की सरकार के निर्णय का स्वागत। आज भी कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो इसका विरोध करते हैं। पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया पर फ्री कश्मीर की बातें होती है, और चेंबूर में रूपाली चंदन सिबे की मुस्लिम पति बुरखा नहीं पहना हत्या की, इसके बारे में ये नेता कुछ नहीं कहते। वंदे मातरम तो कहना ही होगा।